किसान साथियों, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, किसानों की कृषि जोतों का आकार घटता जा रहा है और साथ ही साथ सिंचाई के जल की समस्या ने किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर किसी नवाचारी तकनीक को अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है। और किसान एक ऐसी कृषि तकनीक या ऐसे कृषि नवाचार के विचार में लगे हुए हैं जिससे कि एक बार की लागत में वो लंबे समय तक उत्पादन ले सके, मुनाफा ले सके। राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों का भी यही विचार है, यही कोशिश है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए ताकि वो खेती और किसानी से लगातार जुड़े रहें। और आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी ही नवाचारी खेती जिसको लेकर राज्य सरकार ने किसानों को अनुदान की व्यवस्था भी कर रखी है और साथ ही साथ उसके विकास के लिए समुचित व्यवस्थाएं की है, और उसका नाम है बागवानी। नमस्कार, मैं आपका किसान साथी मदन शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल खेतरी तकनीक। अगर आप भी राज्य सरकार की बागवानी अनुदान योजना के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूले। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि बागवानी के साथ साथ राज्य एवं केंद्र सरकारों की किसानों के लिए चलाई जा रही सभी प्रकार की योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे सीधे घर बैठे। किसान साथियों, आप अगर पारंपरिक खेती के साथ साथ में बागवानी जैसे नवाचार को अपनाना चाह रहे हैं तो राजस्थान सरकार की बागवानी अनुदान योजना आपके लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है। अगर आप राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 0.4 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व रखते हैं तो आप राजस्थान सरकार की बागवानी अनुदान योजना के लिए पात्र हैं। SC ST एवं TSP क्षेत्र के किसानों के लिए यह लिमिट 0.2 हेक्टेयर रहेगी। अधिकतम आप इस योजना का लाभ 4 हेक्टेयर तक ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो बागवानी अनुदान योजना के लाभ के लिए शर्त है वो है आपके पास एक खुद का सिंचाई जल स्रोत होना आवश्यक है। राज्य सरकार का बागवानी मॉडल उन क्षेत्रों के लिए विशेष फायदेमंद है जहाँ पर सिंचाई जल स्रोतों की या सिंचाई के पानी की कम आपूर्ति है। इसलिए राज्य सरकार इस बागवानी अनुदान योजना के लिए दूसरी शर्त यह रखती है कि आप उसके लिए बूंद बूंद सिंचाई योजना का विकास करें या बूंद बूंद सिंचाई योजना को अपनाएं। चौथी जो शर्त है वह है आप अगर बागवानी के लिए किसी भी प्रकार के फलदार पौधों की खरीद करें तो वो राज्य सरकार की NHB एग्रीगेटेड नर्सरियों, राजंस नर्सरियों, राज्य एवं केंद्र सरकार के उपक्रमों, बागवानी उपक्रमों जैसे राजकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, नर्सरियों से ही करेंगे तभी आपको अनुदान लाभ देय होगा। अगर आप SC ST एवं TSP क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो आप अगर 0.2 हेक्टेयर भूमि पर बागवानी लगाना चाह रहे हैं तो राज्य सरकार ने ऐसे किसानों के लिए बूंद बूंद सिंचाई की पात्रता या शर्त से उनको मुक्त रखा है। अधिक लागत एवं कम अंतराल वाली बागवानी विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से इकाई लागत का 75% तक अनुदान दिया जा रहा है, जबकि राज्य सरकार संघन फलोद्धान के लिए यह अनुदान राशि 65% इकाई लागत के अनुसार दे रही है। वैसे अलग अलग वित्तीय वर्षों में यह अनुदान की राशियां एवं इसकी पात्रता संबंधी शर्तें बदलती रहती है, तो जब भी आप आवेदन करने जाएं राज किसान पोर्टल के माध्यम से इसके संबंध में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी चाह रहे हैं कि लंबे समय तक खेती के साथ जुड़े रहें, एक मुनाफेदार खेती आप करें, तो इसके लिए ये बागवानी की जो राज्य सरकार की अनुदान योजना है आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। तो फिर देख क्या रहे हैं, उठाइए अपना आधार एवं जनाधार कार्ड, साथ ही साथ आपके खेत की जमाबंदी एवं नक्शा जो 6 महीने से पुराने न हो एवं प्रमाणित हो, साथ ही साथ कृषि जल स्रोत का प्रमाण पत्र, और पहुंच जाइए आपके नज़दीकी ई मित्र पर और तुरंत आवेदन कर दीजिए ताकि समय रहते आपको इसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल सके और आप बागवानी के लिए जो उपयुक्त समय होता है, पौधरोपण के लिए जो उपयुक्त समय होता है, उस समय तक आप पौधों की खरीद करके सभी प्रकार की आवश्यक तैयारियां समय से कर सके। अगर आप आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप सभी प्रकार के विवरण जान सकते हैं। अगर आप भी बागवानी से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाह रहे हैं तो हमने इसके संबंध में तैयारी एवं किस्मों से संबंधित अलग से वीडियो बना रखे हैं जिनसे आप संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए नवाचार के साथ जो देगा आपकी खेती और किसानी को फायदे और मुनाफे का बूस्टर। साथ ही साथ आप जान पाएंगे खेती में हो रहे नवाचारों से किस प्रकार से आप अपने आप को लाभान्वित कर सकते हैं, भारतीय खेती के पिछड़ते हुए स्वरूप को किस प्रकार से आप आगे ले जाने में भारत की कृषि आबादी की मदद कर सकते हैं। तब तक के लिए राम राम सब।